मौसम विभाग के अनुसार 20 मार्च तक प्रदेश में तेज बारिश और ओले गिरने की संभावना है। वहीं शिवपुरी अंचल में कुछ दिन पूर्व हुई बारिश और ओलों से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। बदलते मौसम ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। इस बार पानी गिरा तो बची हुई फसल भी नष्ट हो जाएगी। शिवपुरी अंचल बिन मौसम के पानी की मार झेल रहा है, जिससे किसानों की फसल खराब हो रही है। 20 मार्च तक अगर तेज बारिश हुई तो कई ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में खेतों में बची हुई खड़ी फसल खराब हो जाएगी। अब अन्नदाता के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। वहीं कुछ जगहों पर ओले गिरने से फसल चौपट होने की आशंका है। अभी रबी की फसल का समय है, इसमें गेहूं, चना, सरसों की मुख्य फसल होती है। किसान सब्जियों की भी खेती इस समय करते हैं। बारिश होने से गेहूं को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। कई क्षेत्रों में गेहूं, चना, सरसों को भी नुकसान हो सकता है। किसानों पर मौसम की मार साफ तौर पर देखी जा सकती है। वहीं कृषि विभाग के अधिकारी का कहना है कि 90% फसलें तो कट चुकी हैं और बची हुई फसल भी काट रही हैं। अगर फसल कटने से पहले पानी और ओले गिर गए तो नुकसान होने की आशंका है। हाँ, नुकसान है अभी। कैसे कह सकते हैं, मतलब कौन कौन सी फसल अभी बाकी है जो खड़ी है? गेहूं की फसल है अभी, और अभी तो केवल गेहूं है जिसमें नुकसान होगा। बाकी फसलें कट गई, बाकी फसल निकल गई। बारिश होगी तो नुकसान होगा या फिर ओले से नुकसान होगा, पूरा बताओ। बारिश से भी नुकसान है और ओले से ज्यादा नुकसान है बारिश से। क्या फसल खराब हो जाती है, बेकार दगीली टाइप की? बारिश से दगीली हो जाएगी और ओलों से सब गिर जाएगी, खराब हो जाएगी। हाँ, नाम क्या आपका? केदार। केदार, ये बताओ जी, फसल क्या की करिए? गेहूं की फसल है। अभी मौसम विभाग ने मैसेज जारी किया है कि आगामी 20 तारीख तक बारिश हो सकती है, तो उससे नुकसान होगा क्या ये फसल में या फिर ओले से होता है? ओले से होता है। किस तरह का नुकसान होता है फसल? ओले से होगा, और का ओले से खराब हो जाती है, खराब हो जाओ और बारिश होती है तो बारिश नहीं होगा, पानी आएगा तो कोई नुकसान नहीं है। अभी ये मौसम विभाग ने एक मौसम का वो जारी किया है कि फसल को नुकसान हो सकता है अगर बारिश हुई या ओले गिरे, क्योंकि मौसम भी लगातार 2 दिन से बदल रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अभी जिले में सरसों, मसूर और चना की फसल करीब 95% कट चुकी है, जिसमें कोई और किसानों ने करीब 95% भी अपने घरों में ले ली है, थ्रेसिंग कर ली है। जहाँ तक गेहूँ का सवाल है, अभी यहाँ लेट बोनी होती है, वो अभी जो गेहूं की फसल है वो दूधिया दाना बन रहा है। यदि पानी गिरता है तो फसल को नुकसान है, यदि आंधी आई और आड़ी फसल होती है तो थोड़ा सा उसका कलर जो है डिसकलर हो सकता है, इसलिए ज़्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं है। ओला गिरेगा, ओला नहीं गिरना चाहिए, ओला गिरता है थोड़ा संभावना बढ़ जाती है, लेकिन अभी तक ये है कि पानी आने की थोड़ी थोड़ी संभावना है जो एरिया में फसल को फायदा है। यदि आंधी आती है, थोड़ा सा फसल आड़ी होती है तो थोड़ा सा हल्का सा दाना जो हल्का रह सकता है। आप ऐसे मानते हैं ना कि कहीं ना कहीं ओले या तेज बारिश हुई तो कहीं ना कहीं किसानों को चिंता का विषय बन सकता है? चिंता थोड़ी बहुत है, लेकिन ज्यादा नुकसान संभावना नहीं। कौन कौन सी फसल बची है अभी कटने की? केवल अभी गेहूं फसल बची है, सभी फसल कट के किसान ने अपने खेत से। आप लोगों की तरफ से कोई मदद के लिए कोई व्यवस्था ऐसी की जा रही है आपकी तरफ से, या की जाएगी आगे ऐसा कुछ होता है तो? नहीं, यदि मान लो ओला वगैरह गिरता है तो कृषि विभाग, पंचायत विभाग और राजस्व विभाग उसका सर्वे करेंगे, जो भी नुकसान हो वो शासन को रिपोर्ट दी जाएगी।